أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن उम्मीद दुआ है कि आप सब खैर और आफियत से हैं और ईमान के बेहतरीन दर्जों पर हैं। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में सिफ़ात को शुरू किया था। सिफ़ात के दो मेन टाइप्स होते हैं, सिफ़ातुल आरिदा और सिफ़ातुल लाजिमा। ऑलराइट, जिसमें हमने सिफ़ातुल लाजिमा को पहले लिया और उसके अंदर भी मज़ीद दो अलग किस्में हैं। एक है सिफ़ातुल लाजिमा मुतवादा, ऐसे सिफ़ात जिनकी ज़िद होती हैं, जिनके ऑपोजिट्स होते हैं, उसको सिफ़ातुल लाजिमा मुतवादा कहते हैं। और हमने उनके फाइव पेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। राइट, हम्स और जहर जो सांस के ऊपर डिपेंड करते हैं, शिद्दा और रखावा जो आवाज़ का जारी रहना या ना रहना इस पर डिपेंड करते हैं, इस्तेआला इस्तेफाल ज़बान की जो जड़ है उसको ऊपर उठाना या नीचे रखना, इत्तबाक़ और इन्फिता ज़बान के जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा या नीचे, इस पर डिपेंड करता है। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। इज़लाक़ और इस्मात का हमने देखा कि वो तजवीद रिसाइटेशन के हवाले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्लुएंसी एंड अरबिक ग्रामर। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से इंशाअल्लाह हम जो है सिफ़ातुल लाज़िमा गैर मुतवादा को देखते हैं। गैर आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, यानी ऐसे सिफ़ात जिनके कोई ऑपोजिट्स नहीं होते। फाइन, बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह हम उसको देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 सिफात हैं। ओके, वन सेकेंड। ओके, कौन से हैं? फर्स्ट देखते हैं कि सिफातुल लाजिमा गैर मुतवादा क्या है। वही जो सिफातुल लाजिमा, ऐसी सिफात जो हर हाल में हरूफ में पाई जाती है, उसको तो सिफातुल लाजिमा कहते हैं। गैर मुतवादा यानी ऐसी सिफात जो ज़िद नहीं रखती, जैसे हम्स का अपोज़िट जहर था, लेकिन अब यहाँ कलकला का कोई अपोज़िट नहीं, जिसकी वजह से आपको सारे लेटर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हम्स के लेटर्स को सीखा, फ़हसहु शख्सुन सकत। राइट, आपने उसको सीखा, उसके बाद आपके जहर के जो लेटर्स हैं उनको भी आपको जानना है कि उसमें हम किस तरह लेटर्स को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। क़ाफ़, तौबा, जीम, दाल कलकला के हैं, तो बाकी जो हैं वो गैर कलकला के हैं या उस पर और क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो सिफात हैं वो अपनी ज़िद रखती नहीं। तो सिर्फ हम चंद लेटर्स हैं जिनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं और वो उनकी सिफात लाजिमा है, ऐसी सिफात जो उन पर होना कंपलसरी है, लाजमी है, और वो हमेशा उनमें रहती हैं, चाहे वो कोई भी हाल में हो, उन पर वो सिफात रहती है। और उससे ज़्यादा ये है कि हम अगर उसको निकाल दें तो वो ठीक से वाज़े नहीं होंगे और उनकी जो हरूफ की पहचान है वो चली जाएगी या वो कोई और लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इन सिफातुल लाजिमा को सीखते हैं जो गैर मुतवादा हैं, यानी ऐसे सिफात जिनकी कोई ज़िद नहीं है। कौन से हैं? यहाँ पर बहुत सारे हैं, 8 हैं। इंशाअल्लाह मैं इसको एक बार रिसाइट करूँगी, पढ़ूँगी, देखते हैं कि आप में से कौन इसको ऑलरेडी जानता है, क्योंकि हमने बेसिक्स में इसको सीखा है। स्पेशली अगर आपने रिसाइटेशन के कोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें हमने ऑलमोस्ट ऑल दी रूलिंग्स को एक बार डिस्कस तो किया ही है। फाइन, अतिकरार जो है ये हमने रॉ के वक्त पढ़ा था। राइट, अल इन्हिराफ जो है ये हमने नहीं सीखा था। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड इट इन दिस क्लास। अत्तफाशी ये मैंने रिसाइटेशन के दौरान भी कभी कभी बताया था। असफ़ीर तो हमने ऑलरेडी सीखा था बेसिक तजवीद में। कलकला और गुन्ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी ईज़ी। अल इस्तिक़ाला ये जो है इंशाअल्लाह आपके लिए थोड़ा न्यू लगेगा, बट एक्चुअली इट इज़ समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, बस आपको आज टर्मिनोलॉजी पता चलेगी इंशाअल्लाह व्हेन वी लर्न अबाउट इट। लीन तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें और कुछ न्यू एडिशन भी नहीं होगा, सिर्फ उसी को हम रिपीट करेंगे, दैट्स इट इंशाअल्लाह। ओके, तो आज जो है इंशाअल्लाह हम दो सिफात को देखते हैं। पहला है असफ़ीर और दूसरा है तफाशी। दोनों बहुत आसान हैं, दोनों को मिलाकर हम एक सूरह लेंगे, सूरह शराह, उसके अंदर ये दोनों सिफात जो है वाज़े होंगे और हम उसमें सीखते हैं। फाइन इंशाअल्लाह। फर्स्ट हम देखेंगे असफ़ीर क्या है। आप हेडिंग लगाएं सिफातुल लाजिमा गैर मुतवादा, ऐसी सिफात जिसकी कोई ज़िद नहीं होती। ओके,
एंड उसकी फ़र्स्ट सिफ़ात जो हम सीखने जा रहे हैं, ये ऑर्डर में सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कोई भी हम सिफ़ात लेकर सीख सकते हैं, ओके। और ये पेयर्स भी नहीं है, याद रखें। आज हम सफ़ीर और तफाशी सीख रहे हैं तो इसको माइंड में ये ना रख लें कि ये दोनों अपोजिट्स हैं, इस तरह नहीं, ये अलग अलग सिफ़ात हैं, छोटे छोटे हैं, इस वजह से हम 8 सिफ़ात को सिर्फ 4 डेज में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, असफ़ीर क्या है? असफ़ीर अरबी में सीटी को कहते हैं, जो सीटी विसल होता है ना, विसल जो हम इंग्लिश में कहते हैं उसको अरबी में असफ़ीर कहते हैं। इसकी तजवीद की डेफिनेशन क्या है? इस सिफत वाले हरूफ को अदा करते हुए मुंह से सीटी जैसी आवाज़ आती है, ओके। किस तरह होता है कि ये जो लेटर्स हैं ज, सीन और सौद, ओके, हरूफ असफ़ीर जो हैं, जब हम इनको अदा करते हैं, हमारी जो टीथ्स हैं ऊपर और नीचे के जो दांत हैं वो आपस में जो है क्लोज हो जाते हैं, यानी वो बहुत ही करीब आ जाते हैं, राइट। और हमारी ज़बान की नोक इसमें कहाँ होती है? व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट द मखरज ऑफ दिस लेटर, वहाँ पर हमने क्या देखा था? ज, सीन, सौद का मखरज एक ही है, जहाँ ज़बान की नोक नीचे के जो दांत हैं इंसीजर टीथ्स उसके पिछले हिस्से पर या जड़ पर सिर्फ रखी हुई होती है। वो वहाँ रखने से क्या हो रहा है कि हमारी जो मुँह है, हमारा जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द माउथ है, लिप्स के पीछे का जो पोर्शन है, वहाँ पर एक नैरोनेस आ जाता है, ज़बान वहाँ पर एक रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से नैरोनेस आ जाता है। जब हम इन लेटर्स के जो और सिफात हैं, जैसे सीन और सौद का हम्स है, सांस जारी करने की कोशिश करते हैं, तो वो तंगी की वजह से, हमारी ज़बान रुकावट बनने की वजह से, रुकावट यानी कंप्लीट नहीं, बस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से वो लेटर्स में सीटी वाली आवाज़ आती है, ओके। और इसके अंदर सौद और सीन में हम्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि इसके अंदर सांस जारी रहती है, अस और अस, फाइन। और लेटर ज़ा के अंदर आवाज़ तेज़ आती है, लेकिन वो सीन और सौद से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसकी मेन वजह यही है कि इस पर हम्स नहीं होता बल्कि जहर होता है, साथ में रिखावा है, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ फ्लो होती है, ओके। देखिए, अज़ अज़ अज़, आवाज़ जो है वो वाइब्रेट हो रही है हमारे दांतों के दरमियान, फाइन। इसमें सांस अगर आप ले आएं तो वो साउंड करेगा अज़ अज़ अज़। देखिए, इसमें ज़ा और सीन की एक मिलती जुलती कैफियत आ रही है ना, ज़ा और सीन मिल गया ऐसे लग रहा है, इसलिए कोशिश करें कि ज़ा पर सीटी की आवाज़ ना आए, क्योंकि मैंने इस मिस्टेक को बहुत बार स्टूडेंट्स में देखा है, जो सुरमुल की क्लासेस चल रही हैं आजकल, मैं यही फोकस कर रही हूँ, कॉमन मिस्टेक्स इन स्टूडेंट्स, उसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि ज़ के अंदर सीन की आवाज़ आ रही है, जैसे वर्ड हो रिज़्क़हू तो रिज़्क़हू रिज़्क़हू, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। इसको कोशिश करें कि ज़ में सीन की आवाज़ ना आए, और सीन और सौद की आवाज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, क्योंकि सीन जो है इस्तिफाल और इन्फिताह का हरूफ है ना, लाइटनेस होता है, सौद के अंदर जो है इतबाक भी हो रहा है, सामने का जो दरमियानी हिस्सा है वो भी उठ रहा है, इस्तेआला भी हो रहा है, तो आवाज़ उतनी ज़्यादा तेज़ सीन की तरह नहीं होती, उससे थोड़ा कम ही होती है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह हम सीन, ज़ और सौद के अंदर विस्लिंग एंड बजिंग साउंड के साथ पढ़ेंगे, ओके। सीन और सौद में विस्लिंग साउंड है, देखें, स, सी, सु, एस, सौद में सो, सी, सु, एस, फाइन। लेकिन ज़ में देखें, इट इज़ बिट डिफरेंट, बिकॉज यहाँ हम्स नहीं हो रहा, ज, ज़ी, ज़ु, अज़, 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 फाइन इंशाल्लाह। और ये जो सिफात है ये दरमियानी अंदाज में होगी, हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, फोर्सफुली नहीं करेंगे कि वो अजीब लगने लगे, राइट। इट शुड नॉट साउंड ऑकवर्ड एंड इट शुड नॉट साउंड एज इफ़ यू आर फोर्सफुली ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट, ऐसा नहीं लगना कि हम मजबूती से बहुत ही ज़ोर से इसको पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अस्सिरात है, इसको हम अस्सिरात इस तरह नहीं पढ़ेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डालकर, स्ट्रेस के बजाय आप इसको बस इनकी जो सिफात लाजिमा है उनको फोकस करें तो ऑटोमेटिकली इनमें सफ़ीर जो है वो आ जाएगी, फाइन इंशाल्लाह।
और ये जो सिफ़ात है ये एक मज़बूत सिफ़ात है। ओके, इंशाल्लाह हम सारे सिफ़ात को कंप्लीट जब करेंगे ना, सिफ़ातुल लाज़िमा, मुतअद्दिदा, गैर मुतअद्दिदा, ये सारी चीज़ों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो हम देखते हैं कि कौन से सिफ़ात ज़्यादा मज़बूत हैं और कौन से कम। जैसे हमने देखा था कि हम बहुत कमज़ोर सिफ़ात हैं, लेटर्स को कमज़ोर कर देती है सांस के जारी रहने की वजह से, बल्कि जहर जो है उससे मज़बूत है, राइट, शिद्दा मज़बूत सिफ़ात है, और खावा कैसी सिफ़ात है, वीक सिफ़ात है। तो इंशाल्लाह इस तरह हम एंडिंग पर जाकर देखेंगे ऑफ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सिफ़ात कि कौन से मज़बूत सिफ़ात हैं और कौन से वीक सिफ़ात हैं। उसमें से असफ़ीर जो है एक मज़बूत सिफ़ात है, क्योंकि ये जो है लेटर को बेहतर और क्लियर वाज़े करता है, यानी अगर आपने आहिस्ता भी इसको पढ़ा ना तो भी आपको सुनाई देगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सिटिंग नियर अ पर्सन हु इज़ रिसाइटिंग कुरान वेरी स्लोली, सिर्फ उसको ही सुनाई दे रहा है, इस तरह वो कुरान पढ़ रहा है, फिर भी जहाँ जहाँ पर वो सीन सौद और ज़ पढ़ेंगे ना, वो विस्लिंग काइंड ऑफ साउंड, बजिंग साउंड आपको सुनाई देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, नमाज कोई पढ़ रहा हो आपके आगे और वो आहिस्ता पढ़ते हैं, राइट, उनकी आवाज़ कम्प्लीटली तो आपको नहीं आएगी, लेकिन सीन सौद और ज़ जब वो पढ़ रहे होते हैं उसकी आवाज़ आपको वाज़े हो जाएगी कि दे आर रिसाइटिंग सीन सौद और ज़, राइट, बिकॉज इट इज़ अ मज़बूत सिफ़ात, और स्ट्रॉन्ग सिफ़ात होती है, वो सुनाई देती है, चाहे आप आहिस्ता पढ़ें या ज़ोर से पढ़ें, इसके अंदर विस्लिंग साउंड होती है, ज़ा में बजिंग साउंड होती है। उर्दू में तो इसको सीटी की आवाज़ कहते हैं, लेकिन ज़ को थोड़ा सा डिफरेंट रखें सीन और सौत से, बजिंग को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बस देखें ज़ इस तरह की आवाज़ आती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ज़ को आप सीन और सौत से अलग रखें, इसको ज़ देखें, ज़ और सीन मिल गया ना, इस तरह ना मिला इंशाल्लाह, ये ऑल दिस लेटर शुड बी डिफरेंट इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं इसको साकिन के साथ ही ज़्यादा वाज़े होते हैं, लेकिन हर हाल में ये वाज़े होते हैं, चाहे आप उसको फतहा दोमा कसरा के साथ, तनवीन के साथ, शद्दा के साथ पढ़ें, साकिन में और शद्दा में ये थोड़ा ज़्यादा वाज़े होते हैं। जैसे मैं इंशाल्लाह अब इसको साकिन के साथ पढ़कर दिखाऊंगी, इस इमेज से हम देखते हैं, देखें यहाँ पर जो दो ऊपर के नीचे के दांत हैं वो क्लोज आ गए, राइट, एंड व्हाट अबाउट द टंग, टंग देखें इस तरह सीन के लिए, यहाँ देखें दांतों के पिछले हिस्से पर वो जाकर रहती है, तो ये गैप थोड़ी सी कम है, राइट, वो गैप कम होने की वजह से ही जो है वो सीटी की आवाज़ आकर इस तरह निकलती है, फाइन, किस तरह होगा, अस इस उस, ज़्यादा कम भी नहीं कि अस इस उस, देखें सीटी की आवाज़ कम आ रही है, ज़ोर से भी नहीं कि अस इस उस, इतना ज़्यादा भी नहीं, अस इस उस, ओके, अज इज उज, इसमें ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज दिस मिस्टेक हैव सीन इन लॉट ऑफ सिस्टर्स, के इसमें हम्स कर रही हैं और वो साउंड करेगा अज इज उज, दिस इज रॉन्ग, फाइन, अज इज उज, बजिंग साउंड इंशाल्लाह। और इसके अंदर ये हैवीनेस की वजह से इतनी जो सिटी की आवाज़ जो सीन में उससे थोड़ा सा अलग लगता है, अस अस देखें, अस अस एस एस, फाइन, इस इस इस, फाइन, उस 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 उस, फाइन, जस्ट ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह जो है आवाज़ थोड़ी सी सीन और सौत की मुख्तलिफ है, क्योंकि सीन के अंदर हम ना तो इतबाक़ करते हैं ना इस्तेआला, जिसकी वजह से सांस बहुत ही ज़्यादा शार्प साउंड करती है, बारीक साउंड करती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करती है, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ ऑल अबाउट सिफ़ात अस-सफ़ीर, एंड यू विल हैव टू बी मॉडरेट इन दिस, यू शुड नॉट एग्जैजरेट, एंड ऑल्सो यू शुड नॉट बी सो, उसको लो भी नहीं करेंगे, फ़ाइन, मीडियम में रखेंगे इंशाल्लाह। और सीन और सौद में हम्स भी है, इसका ध्यान रखते हुए दोनों का अदा करें, ज़ के अंदर आप जो है जहर और रिखावा को याद रखते हुए करें, ताकि उसमें सांस जो है शामिल ना हो जाए इंशाल्लाह। बस इतना ही है, अब इंशाल्लाह हम जो है एक और सिफ़ात को देखते हैं, उसके बाद एक सूरा जो है उसको सीखते हैं, जिसके अंदर ये दोनों सिफ़ात हम क्लियरली सीख पाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कौन सा है, अत्तफाशी, फ़ाइन, अत्तफाशी किसे कहते हैं, स्प्रेडिंग को कहते हैं, फैलने को कहते हैं अत्तफाशी। इसका तजवीद के अंदर डेफिनेशन क्या है, हर्फ की अदायगी करते हुए आवाज़ का फैलना और ऊपर के सामने वाले दांतों पर लगना, इसको तफाशी कहते हैं,
ओके, ये शीन की सिफात है, सिर्फ एक ही लेटर है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स शीन के अलावा ये जो लेटर सीन, सौद या रोमीम है ना, कहते हैं कि इसके अंदर भी जो है आवाज़ थोड़ी सी स्प्रेड होती है। ओके, लेकिन जो इमाम जज़ारी हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था इदलाक और इस्मात के दौरान, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं तजवीदुल कुरान के। उन्होंने अपनी जो नज़म है तजवीद की, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शीन को शामिल किया है, क्योंकि दूसरे हरफ के मुकाबले, जो दूसरे हरफ हैं उसके मुकाबले जो शीन है उसमें बहुत ही क्लियर वाज़े होता है कि शीन में स्प्रेडिंग हो रही है। फाइन, और आपको फील भी होगा कि ऑब्जर्व करें जब मैं पढ़ रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे आकर टकरा रही है। आप भी इसको पढ़ें, श शी शु अश, ऐसा लगता है सारी जो सांस है, क्योंकि हम्स का लेटर भी है ना, वो आकर आवाज़ जो है वो आपके दांतों पर टकरा रही है। फ्रंट में आपको फोर्स फील होगा आपके दांतों के पिछले हिस्से में। एक बार इसको प्रोनाउंस करके देखें, श शी शु अश, श शी शु अश, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो क्या कहते हैं, फोर्स से आकर जो आपके दांतों पर जो आवाज़ रुक रही है, स्प्रेड हो रही है ना, इसको तफाशी कहते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और लेटर है जीम, जिसके अंदर शीन और जीम जो है दरमियानी ज़बान वसत लिसान के लेटर्स हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जीम को भी शीन की तरह अज अज इस तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जीम के अंदर इस तरह की आवाज़ ना आए। इसको हमने हम्स में भी एक बार देखा था कि जीम में हम्स ना हो जाए, और ये यहाँ पर अत्तफाशी में भी यही आपको ख्याल रखना होगा कि जीम के अंदर इस तरह की आवाज़ ना आए जो शीन में आती है, स्प्रेडिंग इसमें नहीं होगी। अलजहर का हरफ है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत आसान है, राइट। ऑल द सिफात विच वी हैव लर्न टुडे, अत्तफाशी और सफ़ीर, दोनों भी बहुत आसान है। सफ़ीर के अंदर सीटी की आवाज़ आती है लेटर्स पे, और शीन के अंदर स्प्रेडिंग हो रहा है। देखिए, श शी शु एश एश, देखिए कितनी अच्छे से स्प्रेड हो रही है। इसको हम ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि अश, इतना ज़्यादा भी नहीं, और बहुत ही लो भी नहीं कि अश 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 अश, देयर शुड बी अ वेरी शार्प साउंड लाइक अश। ओके, स्पेशली जब आप अल इस्तेआज़ा पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ओके, मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह इंशाल्लाह पढ़ते हैं, बहुत आसान है। अत्तफाशी इसको कहते हैं। यहाँ डायग्राम से आपको और बेहतर समझ आएगा। यहाँ देखें, आपकी जो आवाज़ है, यहाँ दोनों दांत थोड़े से क्लोज होते हैं, सीन और सौद अज़ा के मुकाबले थोड़ा कम होता है, और यहाँ पर जो गैप है, इसके बारे में हमने मखरज में सीखा था कि गैप थोड़ी होगी। जीम में दरमियानी ज़बान और ऊपर की सख्त तालु के दरमियान कोई गैप नहीं होगी, शीन में थोड़ी होगी या में शीन से ज़्यादा होगी। फाइन, अगर आपने ये गैप कम रखी तो वो साउंड करेगा शा 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 शा, यानी उतनी ज़्यादा शशिंग साउंड नहीं आ रही। गैप थोड़ी कम रखें, या जितनी ना रखें, या से थोड़ी कम तो आवाज़ आएगी श शी शु अश अश। फाइन, एंड आपकी जो आवाज़ है वो कहाँ टकरा रही है, आपकी दांतों पर टकरा रही है, और साथ में वो अपने आपके मुंह में फैल रही है। देखिए, अश अश। फाइन, इस तरह फैलने को हम तफाशी कहते हैं। अश इश उश श शी शु। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कंप्लीट कर लिया है दो सिफात जो बहुत ही आसान थे। अगर आपके इसमें कोई डाउट्स हैं तो पहले आप वो पूछें, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है इसकी रिसाइटेशन करेंगे। एक सूरह है, उसकी रिसाइटेशन करेंगे, सूरह शराह की। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। या सिस्टर, ओके, देखिए विदाउट हम्स ये साउंड करेगा ज जी जु अज। फाइन, अब विद हम्स देखें, ज जी जु अज अज, इसमें ज और सीन दोनों मिल गए। और इसका और बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप ज जी जु पढ़ रही होती हैं, अपने हाथ को अपने लिप्स के पास रखें, अगर थोड़ी भी सांस आपके हाथ पर टकरा रही है तो आप उस पर हम्स कर रही हैं। ओके, सीन पढ़ें अस,
थोड़ी सी सांस देखें, आपके जो हाथ है उस पर टकराएगी। अश यहाँ पर भी टकराती है, ज में नहीं टकराएगी। अज अज, ट्राई इट नाउ एंड सी इफ इट, अगर जी टकराई है नहीं, राइट? लिटिल बिट, या आपको थोड़ा सा निकालना होगा या, क्योंकि आप जब प्रोनाउंस कर रही थी वो क्लियर ही साउंड कर रहा था, थोड़ा सा निकालें वो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइन, या की खैर जी सिस्टर्स, और कोई डाउट्स हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उस्ताद वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। या सिस्टर उस्ताजा, इससे जो पहले की एक स्लाइड है वहां पे आपने कुछ कहा है मफहूम के एतबार से एक दूसरे से, वहां पे मेरा नेटवर्क चला गया था, क्या वो आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? कौन सा है इससे पहले वाला? दिस वन जी, ये वाला, वो सिफात हैं जो हरूफ में लाजमी तौर पर पाई जाती हैं मगर वो अपनी मफहूम के एतबार से एक दूसरे से जुदा होती हैं। यही कहना है कि ये सिफात जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अब हमने देखा सोफ़ीर, दैट इज़ रिलेटेड टू द विस्लिंग ऑफ द साउंड, एंड जहाँ पर हमने तफाशी देखा, दैट इज़ रिलेटेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ द साउंड। तो मफहूम के एतबार से ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह हम्स और जहर है, बोथ आर रिलेटेड टू वन मफहूम, दैट इज़ सांस, राइट? सांस के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो वो दोनों अपनी ज़िद रखती हैं। इसलिए जो अब हम सीखने जा रहे हैं अत्तफाशी और अस्सफ़ीर सीखा, ऐसा भी हो सकता है कि हमने अत्तफाशी के साथ कलकला सीखा हो, राइट? दे आर टोटली डिफरेंट, उनकी जो मफहूम है, मीनिंग है, मफहूम का मतलब मीनिंग होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट? लेकिन हम्स और जहर के अंदर मेन मफहूम क्या था? दैट वर रिलेटेड टू ब्रीथ, राइट? तो ये ऐसे सिफात हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, यानी हम उनको अपोजिट्स नहीं कह सकते। ब्लैक और रेड इज़ नॉट एन अपोजिट, बट ब्लैक एंड वाइट इज़ एन अपोजिट, राइट? तो इस तरह कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, मफहूम के एतबार से एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, देर आर डिफरेंट। ओके जी, भैया की खैर, एनी अदर डाउट्स? नो डाउट्स, ओके फाइन। तो इंशाल्लाह फर्स्ट मैं रिसाइट करूँगी, ओके, आफ्टर दैट हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट भी किए हुए हैं, ये थोड़ा सा डार्क में मैंने हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ पर शीन तफाशी का सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, और इसको किस तरह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह देखते हैं। बाकी जो भी लेटर्स यहाँ पर हैं, दैट आर सौद, सीन और ज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और फतह दुमा कसरा साकिन इसके साथ ये हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ टू अप्लाई द रूलिंग ऑफ अत्तफाशी एंड अस्सफीर। रिमेंबर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं और ये अपनी ज़िद नहीं रखते, दोनों का मफहूम बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ शीन के लिए एक सूरा कंप्लीट ले नहीं सकते, इसलिए मैंने दोनों को मिलाया। ऐसा भी हो सकता था कि आज मैं अस्सफीर के साथ अलकलकला सिखाऊँ, तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। फाइन, तो जब भी आप लिखेंगे इनको दोनों को साथ में ना लिखें, क्योंकि ये सिफात लाजिमा गैर मुतबादा हैं जो एक दूसरे की ज़िद नहीं रखते। वी आर जस्ट स्टडिंग टू टॉपिक्स अ डे, फाइन, नॉट वन टॉपिक। हम्स और जहर एक टॉपिक था, पर दिस सफ़ीर एंड तफाशी आर टू डिफरेंट टॉपिक्स इंशाल्लाह। तब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑल इस्तेआदा को देखते हैं। इसके अंदर भी हमें जो है शीन जो है क्लियर करना है तफाशी की रूलिंग को अप्लाई कर, और अलबसमला के अंदर सीन में असफ़ीर को हम इंशाल्लाह वाज़े करेंगे। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله, ओके, सीन में सीटी की आवाज़ आएगी, इसको ज़्यादा एग्जैजरेट भी ना करें और बहुत कम भी नहीं इंशाल्लाह। फाइन, अब हम देखते हैं फर्स्ट आयत को, इसके अंदर शीन में तफाशी को सीखेंगे और जो सौद है उसके अंदर किस तरह हम असफ़ीर को अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, أَلَمْ نَشْرَحْ
नशरह, इसको इतना कम नहीं कि अलम नशरह नशरह, ये कब होगा? आप अगर इस ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा और सख्त तालु है इसके दरमियान ज़्यादा स्पेस अगर आपने छोड़ा तो ये अश 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 इस तरह साउंड करेगा। थोड़ा कम रखें, या से कम होगा अश, और अच्छी से स्प्रेडिंग के साथ इसको पढ़ेंगे अलम नशरह नशरह। और ये रिखावा का लेटर भी है तो उसका भी ध्यान देना है इंशाअल्लाह, अलम नशरह। ओके, अलम नशरह लका सदरक, सो सो इसको हैवी भी करें सो सो, और सीटी की आवाज़ भी आएगी फाइन। अलम नशरह लका सदरक ووضعناك عنك وزرك ووضعناك عنك وزرك وزرك. Okay, it is not وزرك وز وز. ये क्या हो गया? ज़ा और सीन मिल गए एक साथ और आपने ज़ा में हम्स कर दिया, हम्स के बगैर जहर के साथ पढ़ी وزرك وزرك। आपका हाथ रख कर देखें लिप्स के पास, देयर शुड बी नो सांस जो है टकराएगी नहीं, जिस तरह सीन और सॉ में टकराती है इस तरह बिल्कुल आपके हाथ पर जो है सांस की फीलिंग नहीं आएगी जैसे कि वो टकरा रही हो फाइन। विज़रक अल्लज़ी औक़ौदरक। ओके, इस आयत के अंदर ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम सिफ़ात सफ़ीर लगाकर कभी पढ़ते हैं जिसकी वजह से ये लेटर्स जो है ज़ा में तब्दील हो जाते हैं ज़ाया सीन में। ओके, दैट इज़ लहनल जली टू डू सो। कौन सा है लेटर? ज़ाल, जिसको हम कभी कभी अल्लज़ी के बजाय अल्लज़ी पढ़ते हैं, राइट? सो वी शुड नॉट डू दैट। ज़ाल में हम सिफ़ात सफ़ीर नहीं है, सिफ़ात सफ़ीर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ा सीन और सौद में है, उसको हम ज़ाल में लाएंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द लेटर ज़ा फाइन। और एक कौन सा है? बौद, इसको भी हम क्या करते हैं? इसमें भी हमने बजिंग साउंड ले आई जो इसकी सिफ़ात है नहीं, तो इसको भी हम बौ पढ़ेंगे फाइन। वहरक, इसमें भी यही गलती होती है, हम इसको ज़हरक पढ़ते हैं ज़ो ज़ो। सो मेक श्योर कि इन लेटर्स में ज़ाल बौद वो जो है उर्दू के अंदर हम इस तरह करते हैं, तो इसी वजह से हम अरबी में भी ये करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली व्हेन यू रीड कुरान आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ज़ाल और बौद और वो के अंदर इस तरह की गलती ना हो। इसको उर्दू में सेम लेटर्स सेम दिखते हैं लेकिन को किस तरह पढ़ते हैं? ये ज़े होता है, ये ज़ाल होता है, ज़ाल ज़ाल नहीं ज़ाल, और ये होता है ज़े जो ये है ना, ये ज़े, और इसको ज़ो कहते हैं ज़ोए ज़ोए, देखें ज़ की आवाज़ आ रही है, इसको ज़ुआद कहते हैं ज़ुआद। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो उर्दू में ज़रूरी वर्ड है ना ज़रूरी, या ज़ुआद से आता है एक्चुअली, देखिए हम उसको ज़रूरी तो नहीं कहते क्योंकि उर्दू के अंदर ज़ुआद हो ज़ाल हो ज़े हो सब की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बजिंग साउंड से आता है, लेकिन अरबी में इस तरह नहीं, तो इन तीनों के अंदर कोई विस्लिंग एंड बजिंग साउंड नहीं आएगी। अल्लज़ी औक़ौद रक फाइन। वरफ़अना लका ज़िक्रक, यहाँ पर भी ज़ाल का ध्यान रखें कि इसमें बजिंग साउंड ना आ जाए। अब देखें सीन को बहुत ही अच्छे से सिफ़ात सफ़ीर अप्लाई करके पढ़ी। فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا عُسْرِ يُسْرًا. اوكي سين کی آواز کلیئر آئے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب ص ص اوكي فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. اوکے الحمد للہ اب ہم ریسائٹ کریں گے, صرف چار منٹ ہی ہیں تو ان شاء اللہ لیٹس ریسائٹ دس ونس کریکٹلی. اوکے فائن, اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما شاء الله بارکم اللہ فیکم. بس اسی طرح ہم انشاءاللہ ان لیٹرز کو صفات الصفیر کے جو لیٹرز ہیں ان میں سیدھی کی آواز لے آئیں گے اور شین کے اندر تھوڑی سی اسپریڈنگ کریں گے. اینڈ کیپ دس ان یور مائنڈ, یہ دونوں ڈفرینٹ صفات ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں. جسٹ فار دی ایزینیس میں نے دونوں کو ایک ہی سورہ میں سکھایا ہے. فائن, تو یہ کمپلیٹلی مفہوم کے اعتبار سے بالکل بھی ڈفرینٹ ہیں اور اس میں ضد نہیں ہوتی. جو صفات الصفیر کے ہیں وہ صرف تین لیٹرز ہیں اور جو التفاشی کے ہیں وہ صرف ایک لیٹر ہے, شین. اوکے, الحمدللہ. دس از آل اباؤٹ صفات الصفیر اور صفات التفاشی. کل انشاءاللہ ہم ایک اور دو نیو صفات کو دیکھتے ہیں اور ضرور اس کی نوٹس بنائیں. Keep a running notes so that you will understand more better, inshallah. فی الحال ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. کوئی ڈاؤٹس اگر آپ ہیں تو آپ واٹس ایپ میں پوچھیں انشاءاللہ. اوکے, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.